विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,797 नए केस सामने आए, वहीं 41,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। 24 घंटे में 532 और लोगों की जान महामारी ने ले ली। अभी भी देश में 4,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। केरल में एक बार फिर सबसे ज्यादा 22,000 से भी अधिक नए केस आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केरल सरकार को और सक्रिय होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मांडविया ने राज्य में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री विजयन से बात की और उन्हें चिट्ठी भी लिखी है। इससे पहले प्रदेश के दौरे पर गई केंद्र की टीम दिल्ली लौट आई और अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दिल्ली सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट के रेट को घटाने का आदेश दिया है। अब प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट का रेट 500 रुपए तय किया गया है, जबकि होम कलेक्शन का रेट 700 रुपए होगा। सरकार ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट का रेट 300 रुपए निर्धारित किया है। अभी तक दिल्ली में प्राइवेट लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के 800 रुपए देने पड़ते थे, वहीं आरटीपीसीआर होम कलेक्शन का रेट 1200 रुपए निर्धारित था। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस का पहला केस मिला है। एक महिला इस वायरस से संक्रमित मिली है। मामले का पता चलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया और संबंधित इलाके में फॉगिंग का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोल्हापुर, पुणे और सतारा जैसे कुछ जिलों में कोरोना के केस कम नहीं हो रहे हैं और इस पर सरकार की नज़र है। केंद्र की ओर से सभी राज्यों को कहा गया है कि वे आने वाले त्योहारों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और संभावित खतरे से आगाह किया है। साथ ही कहा गया है कि राज्यों में ट्रेसिंग और टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। कोरोना के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी कार्यक्रमों के दौरान लोगों के बड़े समूह जमा ना हो, इसकी जगह तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल हो। साथ ही ऐसे उपाय किए जाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कार्यक्रमों को घर बैठकर बेहतर तरीके से देख सकें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन जैसी चीजों का खास ध्यान रखा जाए। बिहार में 7 से 25 अगस्त तक कोरोना गाइडलाइन में कई छूट का ऐलान किया गया है। राज्य में कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही 9वीं क्लास और इससे ऊपर के स्कूल 7 अगस्त से, जबकि 1ली से 8वीं के स्कूलों को 16 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। फिलहाल स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की ही अनुमति होगी। 10वीं क्लास के ऊपर के कोचिंग संस्थान भी 7 अगस्त से खुल सकेंगे। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर ठन गई है। इस बार विवाद हुआ है मुख्य सचिव और अधिकारियों के साथ एलजी की मीटिंग पर। कोरोना पर बुलाई इस बैठक को केजरीवाल ने लोकतंत्र का अपमान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कहा और अनिल बैजल को लोकतंत्र की इज्जत करने की सलाह दे डाली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना के हालात और तैयारियों पर मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारियों के साथ बैठक की और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इसी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क गए और जवाबी ट्वीट कर कहा कि चुनी हुई सरकार की पीठ के पीछे ऐसी समानांतर बैठक करना संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है। हम एक लोकतंत्र हैं, जनता ने मंत्री परिषद को चुना है। अगर कोई सवाल है तो आप अपने मंत्रियों से पूछिए, अफसरों के साथ सीधी बैठक करने से बचें। मध्य प्रदेश के दतिया में बाढ़ के बीच पंचायत भवन में फंसे लोगों का रेस्क्यू कराने के लिए पहुंचे राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करना पड़ा। दरअसल नरोत्तम मिश्रा पंचायत भवन में बाढ़ के बीच फंसे 9 लोगों को निकालने के लिए बोट के जरिए यहां पहुंचे थे, लेकिन नाव पर पेड़ गिर जाने की वजह से वो भी वहां फंस गए थे। यहां फंसे लोगों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के ग्वालियर, चंबल रीजन समेत 8 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 1200 से ज्यादा गांवों में बाढ़ की मार लाखों की आबादी पर पड़ी है। राहत और बचाव का काम जारी है। ग्वालियर चंबल इलाके में 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 25 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीम कर रही है। अब तक करीब 6000 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में है। यहाँ बाढ़ की वजह से सड़कों और घरों को बड़ा नुकसान हुआ है। शिवपुरी ग्वालियर हाईवे पर सड़क धंसने से एक ट्रक सड़क के बीचों बीच गड्ढे में जा गिरा। लगातार हुई बारिश की वजह से हाईवे पर कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जिससे हादसे भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और हालात का जायजा लिया। कल ग्वालियर पहुंचने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित शिवपुरी, श्योपुर और दतिया का हवाई दौरा कर आला अफसरों को राहत बचाव के लिए जरूरी निर्देश दिए।